जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। गाइस, बात करेंगे प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट वाले स्टूडेंट के बारे में। जैसा कि आप सभी साथियों का शेड्यूल डिसाइड हो चुका है काउंसलिंग का, और कल एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट भी आपके सामने आ चुकी है। अब आश्चर्यजनक इसमें क्या है? तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि सबसे पहला आप लोगों का कन्फ्यूज़न था कि आप लोगों की जो कॉलेज है वो गवर्नमेंट कॉलेज है या ऑटोनोमस कॉलेज है, तो देखिए हम भी यहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे और सभी लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे कि वाकई में कॉलेज ऑटोनोमस है या गवर्नमेंट कॉलेज। बस यही मसला चल रहा था। अभी इस मसले को क्लियर करना चाहेंगे हम, और अभी तक आप लोगों को क्लियर हो भी गया होगा कि ये जो कॉलेज आप लोगों की है, काउंसलिंग करवा रहे हैं, वो ऑटोनोमस कॉलेज है। जी हाँ, ऑटोनोमस कॉलेज है। और अब बात आती है, जब ऑटोनोमस कॉलेज है तो सबसे पहले तो मुद्दा यह है कि गवर्नमेंट कॉलेज का आप लोगों का काउंसलिंग सबसे पहले होना था, लेकिन यहाँ पे आप लोगों की ऑटोनोमस कॉलेज की काउंसलिंग हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये एक सवाल है, और पता नहीं मुझे भी इसका सॉल्यूशन क्या होना है। ओके, क्योंकि पहले तो गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग होना था, लेकिन यहाँ पे ऑटोनोमस कॉलेज की काउंसलिंग करवाई जा रही है। अब स्टूडेंट के मन में यह डाउट है कि गवर्नमेंट कॉलेज और ऑटोनोमस कॉलेज में क्या डिफरेंट है, किसमें हमें एडमिशन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, काउंसलिंग करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। ओके, सभी सवालों का जवाब यहाँ पे मैं देने वाला हूँ। ओके, कि आप लोगों को ऑटोनोमस कॉलेज में काउंसलिंग करवाना है या नहीं। अगर करवाना भी है एडमिशन, तो अब बात आ जाती है आप लोगों की जो अभी एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट आई है, एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट आई है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं वो मेरिट लिस्ट है, बहुत सारे पीपल कह रहे हैं कि वो मेरिट लिस्ट है आप लोगों की आइए। तो मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा साफ साफ शब्दों में कि ये आप लोगों की मेरिट लिस्ट नहीं है। मेरिट लिस्ट क्या होती है? मेरिट लिस्ट वह होती है जिनमें कैंडिडेट को मैक्सिमम मार्क्स यानी कट ऑफ मार्क्स के तौर पे आप लोगों की एक लिस्ट तैयार की जाती है, अधिकतम मार्क्स वाले। ओके, पहले अधिकतम मार्क्स वाले स्टूडेंट को वहाँ पे लिया जाता है, कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप लोगों के नाम आते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखोगे, आप लोगों की जो एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट आई है, वहाँ पे टोटल जितने भी स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था पीएनएसटी का, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट का, मैक्सिमम स्टूडेंट जिन्होंने पार्टिसिपेट किए थे 39,423, और यही 493 पेज का आपके सामने एक लिस्ट आया है। जी हाँ, कितना? 493 पेज का लिस्ट आया है, और उन लिस्ट में कितने टोटल आपके 39,000, कितने 39,423, कितने 39,423 स्टूडेंट की लिस्ट यहाँ पे उन्होंने क्लियर किया है। तो इसका मतलब क्या है कि जितने स्टूडेंट ने एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया था, उन लोगों को यहाँ पे सभी का नाम उस लिस्ट में है, तो ये मेरिट लिस्ट नहीं है। ये तो सबसे पहले क्लियर कर दूँ मैं आप लोगों को। अब ये मेरिट लिस्ट नहीं है, इसका मतलब पूरे के पूरे कैंडिडेट जितने एग्ज़ाम दिए हैं प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट का, वो सभी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। और आप लोगों की जो ऑटोनोमस की सीट है, ओके, ऑटोनोमस की सीट है वो टोटल कितनी है? 810 सीट है। अब आप सोच सकते हो कि यहाँ पे आप लोगों का जो है कम से कम मार्क्स वाले स्टूडेंट को भी काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है, और ये आप लोगों की 810 सीटें हैं और 39,000 स्टूडेंट हैं मैक्सिमम, तो यहाँ पे कट ऑफ क्या रहने वाला है? ये भी सोचने लायक बात है, बहुत बड़ी। अब यहाँ पे इतनी सारी जो यानी इतने सारे कैंडिडेट को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है, तो अब आपको आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कितने नंबर वाले कैंडिडेट यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए। ओके, जैसा कि आप लोगों की काउंसलिंग की फीस लग रही है 1,100 रुपये। ओके, 1,100 रुपये काउंसलिंग का जो है रजिस्ट्रेशन चार्ज और चॉइस लॉकिंग का चार्ज लग रहा है।
तो अब यहाँ पे आप लोगों के मन में ये डाउट है कि काउंसलिंग करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, तो देखिए सभी डाउट यहाँ पे मैं क्लियर करूँगा। सबसे पहले कि कम नंबर वाले स्टूडेंट भाग ले या नहीं ले, ये स्टूडेंट का सवाल है। ओके, ये भी यहाँ पे हम क्लियर करवाएंगे। ओके, और देखिए यहाँ पे अब बात करते हैं ऑटोनोमस और गवर्नमेंट कॉलेज की। ओके, देखिए यहाँ पे ऑटोनोमस कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। जो सुविधा आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज में मिलेगी, वही सुविधा आप लोगों को ऑटोनोमस कॉलेज में मिलेगी। ओके, बस यहाँ पे डिपार्टमेंट का फर्क है। ये जो आप लोगों का गवर्नमेंट कॉलेज वाला है, ये स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आ जाता है, और ऑटोनोमस कॉलेज वाला आपका आ जाता है लोक स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत। ओके, लोक स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत यानी चिकित्सा विभाग के अंतर्गत आ जाता है आप लोगों का ऑटोनोमस वाला पार्ट। तो यहाँ पे बाकी देखिए आप लोगों को जो बेनिफिट गवर्नमेंट कॉलेज में मिल रहा है, ओके, जितना आप लोगों को फीस यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में लगेगा, उतना ही ऑटोनोमस कॉलेज में भी लगेगा। जितनी आप लोगों को स्कॉलरशिप गवर्नमेंट कॉलेज में मिलेगी, उतनी ही आप लोगों को यहाँ पे ऑटोनोमस में भी मिलेगी। जितना एडमिशन का खर्चा आप लोगों का आएगा सालाना, गवर्नमेंट कॉलेज में उतना ही ऑटोनोमस में भी आएगा। और बात करूँ मैं यहाँ पे, तो देखिए ज़्यादा अंतर कुछ भी नहीं है यहाँ पे ऑटोनोमस कॉलेज में। बस आप लोगों का भ्रम है कि ऑटोनोमस कॉलेज अलग हो गया। देखिए ट्रेनिंग आप लोगों को दो सेम मिलेगी, ऑटोनोमस और गवर्नमेंट दोनों ही स्टूडेंट को यहाँ पे ट्रेनिंग भी समान दिया जाएगा, और जॉब भी मिलना ही है यहाँ पे। जो जॉब यहाँ पे आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज वालों को मिलने वाली है, वो ऑटोनोमस वालों को मिलने वाली है। अब ये कंफर्म नहीं कह सकता कि आप लोगों की जो गवर्नमेंट काउंसलिंग है वो कब तक होगी। ओके, लेकिन अभी जो ऑटोनोमस कॉलेज की आपकी काउंसलिंग हो रही है, अब उसमें पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है, तो डियर स्टूडेंट बता दूं आप लोगों को, अगर आप सही में ऑटोनोमस में पार्टी ऑटोनोमस कॉलेज से करना चाहते हो, ओके, बीएससी नर्सिंग, तो आप लोग जरूर करवाइए। जी हाँ, काउंसलिंग जरूर करवाइए। और हाँ, एक और क्वेश्चन था आप लोगों का कि अगर हम ऑटोनोमस में काउंसलिंग करवा लेते हैं और कभी हमें यहाँ पे कॉलेज अवेलेबल नहीं होता है, तो हम गवर्नमेंट कॉलेज में काउंसलिंग करवा सकते हैं यानी। तो जी हाँ स्टूडेंट, बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज में भी आप काउंसलिंग करवा सकते हो। ओके, यानी दोनों काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये सवाल तो क्लियर है आप लोगों का। अब गाइस यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ, जितने भी स्टूडेंट जो इस कंफ्यूजन में है कि हमें काउंसलिंग करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो सीटें काफ़ी कम हैं और स्टूडेंट ज़्यादा हैं, तो उन स्टूडेंट को यहाँ पे काउंसलिंग करवाना चाहिए जिनके मार्क्स यहाँ पे 55, ओके, 55 भी नहीं, 60, 60, 60 नंबर के ऊपर यहाँ पे अगर आप लोगों के मार्क्स है तो आप लोग काउंसलिंग करवा सकते हो। बाकी 60 नंबर के नीचे वाले स्टूडेंट को मैं तो सजेस्ट करना चाहूँगा कि वो यहाँ पे काउंसलिंग ना ही करवाए तो बेटर है, क्योंकि यहाँ पे 810 सीटें हैं और कैंडिडेट आप लोगों के 39,000 है। ओके, तो पूरे के पूरे स्टूडेंट को तो यहाँ पे आप लोगों की जो है सीटें नहीं मिलने वाली है। और देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो है आप लोगों का वो मेरिट लिस्ट निकालेगा, और उस मेरिट लिस्ट में किन कैंडिडेट को यहाँ पे सीटें अवेलेबल होगी जिनके मार्क्स हाई है। ओके, जिनके मार्क्स हाई है तो आप सोच सकते हो इतनी सारी यानी इतने सारे कैंडिडेट हो है और सीटें आप लोगों के सामने कम हैं, तो हो सके तो यहाँ पे 60 नंबर के ऊपर वाले कैंडिडेट ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। और जिन कैंडिडेट को यहाँ पे जो यानी 60 नंबर के नीचे वाले हैं, वो गवर्नमेंट में ट्राई कर सकते हैं। ओके, गवर्नमेंट कॉलेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी मेरा मानना ये है, ओके, कि इतनी सीटें हैं और आप लोगों को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो 60 नंबर वाले ही करें। बाकी आप लोगों की इच्छा, आप लोग काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप गवर्नमेंट और ऑटोनोमस दोनों में ही पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओके गाइस, अगर कंफ्यूजन आप लोगों को है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उन सवालों का जवाब और सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा कि
जैसे ही कोई अपडेट मिलती है आप लोगों की गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग के बारे में, तो वो तो अपडेट आप लोगों को करवा ही दिया जाएगा। ओके गाइस, देखिए, और हम इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो लेकर मिलते रहेंगे। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू गाइस।